हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर टॉप 4 बेस्ट फ्लैगशिप अल्टीमेटेड स्मार्टफोन बताने वाले हैं, जो कि आपको इन हैंडफील्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। और ये स्मार्टफोन आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म पर 35,000 के अराउंड देखने को मिलेंगे। 35,000 के बजट में अगर कोई बेस्ट फ्लैगशिप ऑलराउंडर पावरफुल स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, जिसके अंदर 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा देखने को मिलेगा, 8K में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही आपको कर्व्ड प्लस OLED प्लस MOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा आपको टॉप नॉच लेवल के स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे इन स्मार्टफोनों के अंदर। आप अपनी नीड या फिर प्रायोरिटी या फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा स्मार्टफोन भी परचेस कर सकते हैं, जो भी ब्रांड आप पसंद करते हैं। ओके, विदाउट टाइम वेस्ट किए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है ओप्पो की तरफ से रेनो 8T 5G। ट्रूली 5G स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के अंदर टॉप नॉच लेवल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं, मैं आपको मेन बता देता हूँ। MOLED 6.7 इंचेस की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, साथ ही डिस्प्ले के अंदर आपको असाही ग्लास का लाइक प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, 89.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो। डिस्प्ले के अंदर आपको कोई भी लाइक कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉयड वर्जन 13 पर वेज्ड है, कलर वाइज 13 पर रन करेगा, और काफ़ी अच्छा पावरफुल आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको रियर पार्ट में लाइक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप, एंड साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाएगा। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, USB टाइप सी 2.0 विद OTG, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 4800 mAh की बैटरी के साथ आपको 67W का वाइड फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। 171 ग्राम का वेट, 7.7 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम है। इन हैंड फील आपको प्रीमियम देखने को मिलेगी। 35,000 की प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है दोस्तों वीवो की तरफ से, वीवो V25 Pro। ओवरऑल स्मार्टफोन आपको 35,000 के अराउंड ही देखने को मिलेगा, और आपको किसी भी फीचर में कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। ये स्मार्टफोन रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं, आप अपनी चॉइस या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्मार्टफोन कोई सा भी परचेस कर सकते हैं। ओके, वीवो का स्मार्टफोन बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं, इसलिए मैंने इस लिस्ट के अंदर वीवो का लाइक काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एनालाइज रिव्यू करने के बाद ये स्मार्टफोन सेलेक्ट किया है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे टॉप नॉच लेवल के फीचर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल MOLED 6.56 इंचेस की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR 10 प्लस की सपोर्ट, साथ ही इसमें आपको 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 89.6% का लाइक स्क्रीन टू बॉडी रेशो, साइड बेजल काफ़ी ज़्यादा पतली है। इसमें आपको ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 का लाइक प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5G 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉयड वर्जन 12 पर वेज्ड है, फनटेस्ट 12 पर रन करेगा, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। साथ ही आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 4K में आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विद 30 FPS, 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे स्पीकर्स, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, USB टाइप सी 2.0 विद OTG, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, साथ ही 4830 mAh की बैटरी के साथ आपको 66W का वाइड फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम देखने को मिलेगी। अंतुतु स्कोर इस स्मार्टफोन का आपको 7,04,090 देखने को मिलेगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इसमें आपको कलर चेंजिंग बैक पैनल देखने को मिलेगा, लाइक बैक में, साथ ही ग्लास की प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी। 190 ग्राम का वेट, 8.6 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है। इन हैंड फील आपको इस स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिलेगी। और एक पॉइंट मैं भूल गया, इसमें भी आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 35,000 के अराउंड में आप वीवो V25 Pro को परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छा स्मार्टफोन है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है Realme 10 Pro Plus। ये भी 35,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल कर्व डिस्प्ले आती है, काफी अच्छे टॉप नॉच लेवल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं।
मेन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। इसमें आपको AMOLED 6.7 इंच की डिस्प्ले, HDR 10 प्लस की सपोर्ट, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो। इसमें आपको ऑक्टाकोर MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है, Realme UI 4.0 पर वर्क करता है। साथ ही ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है रियर में, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 4K/30fps में मैक्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में सेल्फी कैमरा, साथ ही स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाएगी, एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, 5000mAh की बैटरी के साथ आपको लाइक 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम देखने को मिलेगी। इसमें आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, लाइक 173 ग्राम का वेट, 7.8mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। कर्व डिस्प्ले की वजह से मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक थिकनेस कम देखने को मिलेगी, स्लिम बहुत है ये स्मार्टफोन। और अभी रिसेंटली 10 प्रो प्लस रियलमी की तरफ से लॉन्च हुआ है, 35,000 के प्राइस रेंज में आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है इन्फिनिक्स की तरफ से। ओवरऑल इन्फिनिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा बजटली स्मार्टफोन लाइक लॉन्च करता है, जिनमें काफ़ी अच्छे टॉप नॉच लेवल के स्पेक्स लाइक प्रोवाइड कराता है। ये स्मार्टफोन थोड़ा सा लाइक कॉस्टली है, ये स्मार्टफोन की प्राइस रेंज जो है 30,000 के आसपास है, लेकिन फ्यूचर में आपको इस इन्फिनिक्स के जीरो अल्ट्रा स्मार्टफोन में कोई भी कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। मेन मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो स्मार्टफोन के अंदर आपको लाइक AMOLED 6.8 इंच की डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3D प्रोटेक्शन, इसमें आपको ऑक्टाकोर MediaTek Dimensity 9020 6 नैनोमीटर के साथ आपको ट्रूली 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, XOS 12 पर रन करेगा, साथ ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 4K/30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरे से, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही USB Type-C 2.0 विद OTG, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, एंड 180W का 180 वॉट का वाइड फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से 12 मिनट के अंदर 100% आप अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल आपको चार्जिंग देखने को मिलती है। साथ ही बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो मोबाइल फोन के अंदर आपको लाइक 213 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा, और स्मार्टफोन के अंदर आपको 8.8mm की थिकनेस देखने को मिलेगी, साथ ही क्वार्ट्ज लाइट सिल्वर कलर एंड जेनिस और नॉइज़ का यूज़ भी है। ओके, स्मार्टफोन को भी आप परचेस कर सकते हैं अगर आप इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन पसंद करते हैं। बाकी चार स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी, फुली फीचर लोडेड स्मार्टफोन है ये, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कोई सा स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं, Amazon Flipkart दोनों प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।